हेलो गाइस, मेरा नाम है आरिफ और मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए एक फ्रेश और कमाल वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा परिंदों के बारे में कुछ दिलचस्प बातें। और मेरे साथ अभी इस वक्त मौजूद हैं रियाज भाई। सो हम आपका वेलकम करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। तो रियाज भाई, अपना आप कोई स्मॉल इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और गुड आफ्टरनून मेरे भाइयों, और जय हिंद। मेरा नाम मोहम्मद रियाज खान है और मुझे जो है बजीज वगैरह बर्ड्स वगैरह रखते हुए करीब में 2 से 2.5 साल हो गए, और जो है बस ये शौक़ है। जो है इससे क्या है, अपन को एक माहौल मिलता है, नेचुरल क्लाइमेट मिलता है, नेचुरल माहौल मिलता है और माइंड फ्रेश होता है। आपके पास अभी मौजूदा तौर पे कौन कौन से परिंदे हैं? मेरे पास में बजीज हैं और जो है आपके कॉकटेल हैं और लव बर्ड्स हैं और अपने फिंच हैं और जो है आपके मशक्कली जो कबूतर हैं वो हैं मेरे पास में, मशक्कली और उड़ने वाले जो नॉर्मल जो कबूतर हैं वो हैं। ठीक है, हम वन बाय वन आपके सारे परिंदों का शौक करवाएंगे हमारे व्यूवर्स को। तो पहला कौन सा परिंदा आप बताने जा रहे हैं हमारे व्यूवर्स को? पहला जो है बजीज बताना चाहूँगा मैं आपको। जो है बजीज मेरे पास काफ़ी है, शुरुआत की थी वो बजीज से। तो अभी लगभग आपके पास कितने बजीज के पेयर होंगे इसमें? सर मेरे पास में अभी लगभग जो है 25 से 30 जोड़े हैं बजीज के। तो ये सारे ब्रीडिंग करते हुए हैं या फिर जिनमें? सर अच्छा है, ये जो है 20 जोड़े तक ब्रीडिंग करते हैं, बाकी अभी जो है पट्टे होते हैं, पट्टे भी हैं इसमें, तो उन्होंने भी पेयरिंग कर ली है। ठीक है, एक क्लच में आपको लगभग कितने इसमें चिक्स वगैरह मिल जाते हैं? सर एक क्लच में लगभग मुझे जो है 30 से 35 जो है बच्चे मिल जाते हैं इसमें। अच्छा, बजीज आपके पास ओनली पाइड में है सारे? जी जी। तो रियाज भाई, मेरा आपसे जो पहला सवाल है वो ये कि आप अभी अपने बजीज को कौन सा सीड मिक्स या फिर कौन सा दाना दे रहे हैं जिससे जो कि इनके लिए हेल्दी है? सर दाने में जो है आप देख रहे हैं जिस तरह से मैं बाजरा और जो है सनफ्लावर सीड्स यूज़ कर रहा हूँ अभी इस वक्त में, और सॉफ्ट फूड के रूप में जो है मेथी के जो पत्ते होते हैं वो देते हैं, और इनके हेल्थ के लिए मैंने जो है ना अपने जो है सेंधा नमक और आपके POP का जो है ब्लॉक बना के इनको रख रहा हूँ जो कैल्शियम के लिए रिक्वायरमेंट होती है, कैल्शियम के लिए रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ठीक है। और अभी जैसे सर्दियों के अंदर जैसे कंगनी और बाजरा अपन मिक्स करके दे सकते हैं? हाँ सर, कंगनी बाजरा दे सकते हैं, लेकिन कंगनी की जो तासीर होती है सर वो ठंडी होती है। ठीक है, तो उससे क्या है कि थोड़ा गर्मी सर्दी के अंदर जो है इंसानों को जानवरों को थोड़ी हीट की ज़रूरत होती है, तो इस ज़रूरत के मुताबिक जो सोयाबीन जो सीड्स हैं, सूरजमुखी के जो बीज हैं और जो बाजरा है वो इनके लिए अच्छा रहता है, और जो है इनको पूरे प्रॉपर जो है इनको नज़ला जुकाम नहीं हो पाता है और बीमारियों से भी दूर रहते हैं। ठीक है, जो सर्दियों में जो सॉफ्ट फूड देते हैं उसमें क्या क्या देते हैं आप लोग? सर्दी में सर मैं 2 ही चीज़ें मिक्स सीड्स भी दे देता हूँ, और आपके जो है ज़्यादातर जो इनको सूरजमुखी के बीज और बाजरे पे ही डिपेंड रखते हैं। अपन जो गेहूँ भिगो के अपन परिंदों को देते हैं वो सर्दियों में देना चाहिए नहीं देना चाहिए? सर इसके अंदर ये मेरा जो एक्सपीरियंस है जो मैंने 2 साल में मैंने देखा है कि अधिकतर जिसे मैंने अब जब भी इनको गेहूँ दिया है गेहूँ से प्रोग्रेस तो हुई है, लेकिन एक सबसे बड़ा जो गेहूँ का जो नेगेटिव पॉइंट था वो उनसे लूज मोशन का जो खतरा था ना, उससे बर्ड्स वगैरह मर जाते हैं क्योंकि उनको हजम करने के अंदर काफ़ी उनको दिक्कत होती, तो लूज मोशन हो जाते थे और बर्ड्स वगैरह मर जाते थे। गेहूँ को क्या है कि हफ्ते में एक बार दे दिया जाए तो सही रहता है इनके लिए। अपन जो मैंने देखा है कई लोग बजरी तोतों को या फिर जो भी परिंदे हैं उनको रंज का जो आता है अपना चारा, हरा चारा, तो वो देते हैं, तो उसके बारे में कुछ कहेंगे वो? हाँ, कि वो इनके लिए अच्छा होता है, हफ्ते में कितनी बार देना चाहिए या फिर महीने में देना चाहिए, उसके लिए कुछ बताना चाहेंगे आप? जी जी सर, वो सर क्या है वो ही बहुत बढ़िया चीज़ है, और वो जो है ना वो तो आपके गर्मियों में अगर उनको दे दिया जाए तो अच्छा रहता है गर्मियों के अंदर, क्योंकि जो है उसके न्यूट्रिशंस काफ़ी रहते हैं उसमें,
और बर्ड्स जो है बजीज बर्ड भी पसंद करते हैं। मैं भी कभी जैसे हफ्ते में एक बार या दो बार रेंज का इनको दे देता हूँ, तो फिर भी मैं इनको मानता हूँ कि भाई जो है असल में बर्ड्स को जो चीज़ें रिक्वायरमेंट है, जैसे बर्ड्स को आपने किस पर्पज से पाल रखा है, उसके हिसाब से आप जो है ना उनका उनका शेड्यूल बनाइए। जैसे मान लीजिए अगर इनके लिए जो है मेन जो स्पीसी होती है विटामिन ए डी ई चाहिए होता है, तो विटामिन जो ए है वो जो अपन को रंचा वगैरह मेथी है और अपने क्या नाम बाजरे से इनसे मिल जाता है, ठीक है। और विटामिन डी जो है सूरज की रोशनी जब पड़ती है इनसे, तो इंसानों को जानवरों का जो है इनकी स्किन अपने आप ऑटोमेटिक उसको बनाने लग जाती है। अच्छा, विटामिन डी वो जैसे इंसान सूरज से ही लेते हैं तो वैसे ही परिंदे भी विटामिन डी इसलिए जरूरी है कि जो ये कैल्शियम खा रहे हैं जो है इनको पचाने के लिए, हजम करने के लिए, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए, एक बनाने के लिए, मतलब जितना ज़्यादा आप कैल्शियम सूरज की रोशनी होगी तो उतने ही बेहतरीन अंडे होंगे। और सबसे ज़्यादा जो है ना ये अपने फर्टिलाइज जो है ना एक फर्टाइल के जब भी होंगे बेहतरीन अंडे जब भी बनेंगे जब ये है सूरज की रोशनी प्रॉपर तरीके से लेंगे, तो वो जो है ना वो उसको ध्यान में रखते हुए खुराक क्या दे रहे हैं आप, तो वो जो है ना वो उस हिसाब से मैं जो है इनका खुराक सेट करता हूँ। बरसात में कुछ अलग खुराक रहती है, और जो है अपने बरसात में कंगनी और जो है आपके बाजरा और मिक्स सीड्स देता हूँ, क्योंकि उस वक्त में अगर जैसे मान लीजिए मौसम हीट का भी रहता है और ठंड गर्म का भी रहता है, कभी ठंडी कभी गर्मी और कभी एकदम से जो है ना बरसात गीलापन भी हो जाता है, तो बर्ड्स अपनी चॉइस के मुताबिक ले लेते हैं। अगर बरसात में जैसे बरसात हुई है उसके कल जो है धूप रहेगी तो बर्ड्स वगैरह वही चीज़ खाएगा, जैसे कंगनी वगैरह ठंडी चीज़ें सॉफ्ट फूड्स वगैरह। और अगर बरसात जो है बरसात हो गई तो फिर जो है वो बाजरा वगैरह या कुछ और जो है ना सूरजमुखी सनफ्लावर की सीड्स वगैरह खाएगा, मिक्स सीड्स वगैरह। गर्मियों में आप क्या सीड प्रोवाइड करवाते हैं हमने बर्ड्स को? गर्मी में सर मैं जो है इनपे बाजरा तो बिल्कुल ही बंद कर देता हूँ, अवॉइड कर देता हूँ। और जो है उनको रूटीन जो है हफ्ते का एक दिन जो है इनको गेहूँ भिगो करके और एक दिन जो है अपने चने भिगो करके और एक दिन रंच का, एक दिन जो है क्या बोलते हैं जो ग्रास होती है अपनी वो इनको डालता हूँ। इस तरह से जो है मैं जो है पूरे हफ्ते का शेड्यूल रहता है और उनसे काफ़ी जो है हेल्दी भी रहते हैं। और सॉफ्ट फूड्स वगैरह जो है ना वो देता हूँ इनको। जो विटामिन्स के लिए विमरल आता है तो आप वो देते हैं? सर विमरल मैंने यूज़ नहीं किया, मैंने जो है अपने जो मल्टी विटामिन आते हैं मल्टी मिनरल्स आते हैं जो बाज़ार में मिलते हैं इंसानों का, वही मैं इसको यूज़ में लेता हूँ। विमरल जो है कॉस्टली है और जो है उसका उससे बढ़िया जो है आपको विमरल से बढ़िया बेहतरीन चीज़ जो है ना अन्य मल्टी विटामिन के जो आते हैं मार्केट में, जो ग्रीन फूड आता है उससे रिक्वायरमेंट पूरी कर लेते हैं आप? जी ग्रीन फूड और जो है ना मल्टी मेरे पास में काफ़ी आपको बताऊँगा मैं, उसमें मेरे पास में काफ़ी जो है मल्टी मिनरल्स मल्टी विटामिन के जो है सिरप पड़े हैं, तो मैं अगर मुझे लगता है कि इनको रिक्वायरमेंट है तो मैं इनको पानी में डाल के दे देता हूँ। ठीक है रियाज भाई, बहुत बहुत थैंक यू जी। थैंक यू सर।